और धरोनिया कोटली जौनपुरा चौरा 33 के भी सब स्टेशन चालू हो गए नए के मैं अनाउंसमेंट हुए रामपुरिया दुबलिया कुंडला प्रसाद दादा खींची लाल गांव इनके तो अनाउंस हो गए 400 करोड़ का गागरीन। अब वो गागरीन ने मेरे को इतना परेशान करके रखा है, मैं आप सबको कह सकती हूँ, आप लोगों का सपना था और मैं सबको कहती हूँ कि हर एक आदमी का सपना होता है और जैसे सपने को अपन पूरा करते हैं तो नया सपना पैदा हो जाता है, ये तो मानवता के अंदर तो होता ही होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने 4 सपनों को सब ठीक कर दिया तो उसके बाद लोग कहें कि अपना कोई सपना है ही नहीं। अगला सपना स्कूल बन गया तो अगला सपना कॉलेज, इंडस्ट्री लग रहा है लगना चाहिए ये एक सपना है। अगर वहां आपको लग रहा है कि हेलीकॉप्टर बन गया तो अगला सपना है कि पीने का पानी का भी इंतजाम कर दो और सिंचाई का भी इंतजाम कर दो, इन सब चीजों के लिए। पर उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा परेशान किया क्योंकि उसको पैसे देते गए, उसको मार मार के दबा दबा के जब तक वहां तक ले आए। मैंने कहा था कि चुनाव के पहले पहले मैंने सब लोगों को गागरीन का पानी पिलाने का काम करना है और मुझे मालूम है कि उसने ऊपर ऊपर से जितनी भी मुश्किल से वहां तक लाने का काम किया, अभी भी उसमें कमी अपने को महसूस हो रही है। हाँ मैंने देखा कई तो ठीक हो गए, जैसे छोटे छोटे है छछलाव का जल योजना वो कंप्लीट हो गई, 33 करोड़ की पिपला की पेयजल परी योजना वो हो गई, सुनेल और पिड़ावा कस्बे के अंदर पानी देने का काम वो शुरू हो गई, पेयजल व्यवस्था सुनेल के अंदर भी ठीक हो गई, गागरी माध्यम सिंचाई में काम अभी भी चल रहा है, वो बहुत मेरे को गुस्सा आता है उसका। और इसी तरीके से कनवाड़ा कुराडिया रोशनबाड़ी और घाटी लघु सिंचाई परियोजनाएं बहुत सारे गाँव को पानी देने का काम इनसे भी अपन कर पाएंगे, गोविंदपुरा गिरधरपुरा एनीकट ये सब काम हुए हैं। परंतु मैं जानती हूँ कि 5-5 साल जब अपने को मिलते हैं अपने डर से लोग कटाकट काम तो करते हैं और जैसे ही अपनी सरकार जाती है वैसे जैसे फिल्म में देखते ना सब बिल्कुल दी एंड, ऐसा आपको दिखाई देता है। मालूम नहीं क्या हो जाता है, एक सरकार बदलती है दूसरी सरकार आती है। हमारे खजाने में कभी कोई मुसीबत नहीं थी, जितना पैसा आपको जरूरत थी उसके लिए पैसा आ जाता था। आप मेरे से बताओ किसी ने भी मेरे से पैसा मांगा और वो पैसा नहीं।